पता नहीं क्यों आज दिल बहुत उदास सा है। जानती हूँ आपका दिल क्यों उदास है रमचा। बेटा आप फोन करो जरा शेरवानों को, अगर जाग रही है तो बात करवा दो बाबा से ताकि सुकून से नाश्ता करें। बाबा मैंने कॉल की थी शेरी को, बेल जा रही थी बट शेरी ने कॉल नहीं उठाई। हाँ तो सो रही होगी ना, उठेगी तो कॉल बैक कर लेगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, मेरी जैसी शेरी से बात होती मैं आपकी बात करा दूंगी। थैंक यू ज़ुबैदा, तुमने यहाँ आकर इस घर को एक नई रौनक बख्शी। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। आप मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय बच्चियों का शुक्रिया करें। आपने एक बार बिल्कुल ठीक कहा था कि बेटियों के सीने में बाप का दिल धड़कता है, तो ऐसे भी इतना अरसा हो गया ये बात दोहरा के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और वैसे भी रिश्तों में ताकत तब तक होती है जब तक मिठास रहे इनमें बाकी, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घर के रिश्तों में ये मिठास हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। सलाम अलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा, आप सुनाएं। सुनाएं आप उदास हो गए थे बहुत। हाँ बेटा बस ऐसे ही है, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारी आवाज़ कैसी लग रही है? नहीं बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस काम पढ़ाई ये सारा बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी के थक जाती हूँ। अपना ख्याल रखा करो। अच्छा ये बताओ कब वापस आ रही हो, कब तुम्हारा मास्टर फाइनल आएगा? बाबा बस एक हफ्ते तक मिल जाएगी, फिर इंशाल्लाह विद इन 15 डेज मैं आपके पास होंगी। चलो बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वैसे तो वक्त बहुत तेजी से गुजर गया, लेकिन जो इंतजार का वक्त होता है वो बड़ा कठिन होता है, बस जल्दी से आ जाओ। चले थोड़ा हिम्मत से काम लें, बहुत जल्द मैं अपने बाबा के पास होंगी। आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की है? नहीं कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे इसी वजह से ऑफ लिया था। ठीक है बेटा अपना बहुत ख्याल रखो, और आने की डेट जरा जरूर मुझे जल्दी बताओ। ठीक है बाबा, रमशा से बात करवा दे। ओके बेटा अल्लाह हाफिज। हेलो शेरी, ये तो बताओ वहाँ मौसम कैसा है? ये अल्लाह तेरा शुक्र। दिल का क्या करें, बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।